जितने भी लोग एसॉट में काम करते हैं, मैं आप सब से कुछ बातचीत करना चाहता हूं। और आप ये मत समझिए कि आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में मुझे देख रहे हैं और मैं कैमरे में इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। आप ये समझिए कि आप इस मुझे यानी कि मैं आपके सामने बैठा हूं और आप मेरे सामने बैठे हैं एंड हम दोनों बातचीत कर रहे हैं। मैं अपने बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ थोड़ा सा। मेरा नाम गगनदीप है और सोशल मीडिया पर डिजिटल गगन के नाम से हूँ, है ना। और काफ़ी टाइम से एसॉट में काम कर रहा हूँ, लगभग कई साल हो चुके हैं, 2013 से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और सोशल मीडिया पे खासकर यूट्यूब के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं, चाहे वो दुबई का ट्रिप हो, चाहे वो थाईलैंड का ट्रिप हो, या फिर इसके अलावा लीडरशिप के ऊपर हो, इंसेंटिव प्लान के ऊपर हो, प्रोडक्ट्स के गिव वे हो, रिव्यू हो, काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने डाली हैं, है ना। अभी भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, ये बहुत ही आम सी बात है कि हम मुझे नहीं जानते। और पहले हम एक जगह पे काम करते थे, फिर हमारे इंडिया में पैन इंडिया के अंदर अलग अलग ऑफिसेज हो गए, लेकिन अब तो हम ऑफिसेज के साथ साथ ऑनलाइन भी चीज़ों को करने पे लगे हुए हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आपको अपने बारे में बताना चाहिए। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप यूट्यूब पे एसॉट के बारे में कैसा कंटेंट ढूंढते हैं, कैसा कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं, कैसी चीज़ें आप इस बिज़नेस में सीखना चाहते हैं। क्या आप सेल से रिलेटेड सीखना चाहते हैं, क्या आप कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड सीखना चाहते हैं, क्या आप एसॉट के अंदर इंसेंटिव जो प्लान है उसको समझना चाहते हैं, या फिर आप ये समझना चाहते हैं कि प्रॉस्पेक्टिंग किस तरीके से करनी चाहिए, या फिर ये सीखना चाहते हैं कि टीम को बिल्ड किस तरीके से करना चाहिए। तो आप जो भी सीखना चाहते हैं प्लीज़ वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी फीडबैक्स मुझे इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में वैसा ही कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं इसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहा हूँ एंड ये मेहनत मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ, मतलब जिसमें आप लोग भी आते हैं, मैं खुद भी आता हूँ, ठीक है। एक दूसरे से चीज़ें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, राइट। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मैं अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहा हूँ या मैं सिर्फ आप लोगों की सेवा करने के लिए, ऐसा नहीं है। ये एक तरीके से सबके लिए विन विन सिचुएशन है, राइट। सो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब के ऊपर ढूंढते हैं, और आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं। प्लीज़ गाइस सजेस्ट मी। और मैं एक बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं मेरी फ्यूचर प्लानिंग है कि मैं किताबों के साथ साथ एसॉट के बारे में, एसॉट के साथ साथ मैं शेयर मार्केट के बारे में और ख़ासकर यूट्यूब के बारे में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज़ मेरा थोड़ा हेल्प कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बट सपोर्ट से पहले मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अब मुझे बताइए आपको कैसा कंटेंट चाहिए, आप एसॉट के बारे में कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा आपकी और रिक्वायरमेंट क्या है। मैं अपनी ऑडियंस को समझना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी अभी तक की जो सबसे सक्सेसफुल वीडियोस रही हैं उसमें ज़्यादातर एसॉट की वीडियोस हैं। एक मेरी करेंसी डेरिवेटिव के ऊपर वीडियो थी जो मैंने शेयर मार्केट के ऊपर डाली थी, और इसके अलावा तो एसॉट की ऑडियंस ही है, और इसके अलावा किताबों की ऑडियंस है जो बुक्स लवर हैं। और इस तरीके से मेरा जो चैनल है वो अभी सर्वाइव कर रहा है, और अभी तो मेरे को YouTube से थोड़े बहुत पैसे भी आने शुरू हो गए हैं। हालांकि मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, बट हाँ Google AdSense में थोड़े थोड़े पैसे आने शुरू हो चुके हैं, और अराउंड अभी तक 3 से 3,500 रुपये बने हैं मेरे ख्याल से, राइट। पैसा है, बट वो मेरी दूसरी या तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी है। मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा कॉन्टेंट है, मेरी ऑडियंस है, और मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ही मैं चीज़ों को आपके सामने लाऊँ। एंड इस वीडियो के लिए मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, मैं डायरेक्टली अपने दिल से ये बातें बोल रहा हूँ जो भी अभी आप सुन रहे हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, अपनी फीलिंग्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो पक्का ज़रूर अपने दिल की बात मेरे साथ साझा कीजिएगा। चाहे आप ये मत सोचेगा कि वो बात मुझे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, जो भी ओपिनियन है ईमानदारी से ट्रांसपेरेंसी के साथ आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट की रिस्पेक्ट करूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, अगली वीडियो में कुछ और बातें करूँगा, कुछ और नई चीज़ों के साथ
जल्दी आपके सामने आऊँगा। थैंक यू सो मच।